मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की कान्हा जी की डिजाइनर ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, ड्रेस के ऊपर मैंने कपड़े से ट्रायंगल्स बनाकर लगाई हैं और साथ में गोल्डन मोती लगाया है। और ये ड्रेस मैंने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, तो इसका डायमीटर मैंने 11 इंच रखा है। यहाँ पर ये घेरे की लंबाई 4.5 इंच है और चोली की जो चौड़ाई है ये 1.7, ये देखिए 1.7, 2 से 1 पॉइंट कम है और 2.5 इंच 2.5 इंच इसकी लंबाई है चोली की। और ये तो है 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस, लेकिन यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपने इसी ड्रेस को बड़े साइज में बनाना है। जैसे ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी की बनाई है, तो उसके लिए जो हमने कपड़ा काटना है 5x35 इंच का काटना है 35। और जब हम ये चोली के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये 5 की जगह 4.5 रह जाएगा। ये देखिए तैयार घेरा लिखा है। जब हम ये साइड वाला टिश्यू रिबन अटैच करते हैं, उससे पहले आपने जो कपड़ा है उसको आपने देखना है, वो आपका ये देखिए 5x35 इंच होना चाहिए। जब आप उसे फिर चोली यहाँ पर ज्वाइन कर दोगे, आधा इंच चोली में चला जाएगा, तो ये 5 वाला जो है ये 4.5 हो जाएगा और ये साथ में 35 जो हमने बड़ा कपड़ा लिया है ये 35 रह जाएगा। और चोली जो हमने काटनी है ये 1.7, जैसे 5 नंबर के लिए मैंने 1.7 दोनों साइड की ऊपर लिखा है टोटल चोली कट दोनों साइड, तो 1.7x12 इंच, ये 12 इंच दोनों की, एक साइड की 6 है तो 6 ये है तो ये 12 हो जाएगी और डायमीटर 11 है। टोटल डायमीटर बनने के बाद जो आया है ये 11 इंच आया है। इसी तरह से आप 8 नंबर के लिए ये ले सकते हैं मेजर, तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ये देखिए मैजिकल थ्रेड्स चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट को हमने ओपन किया है, तो प्लेलिस्ट में मैंने समर ड्रेसेस की प्लेलिस्ट में जो जो मैंने समर ड्रेसेस बनाई हैं ये सारी इसमें डाल दी हैं। यहाँ से भी आप कोई भी ड्रेस बनानी चाहे तो बना सकते हैं देखकर सभी साइज के। जैसे ये 8 नंबर कान्हा जी की है, ये 6 की है, ये 4 की है, 2, 3, ये 7 की, ये 5 की, तो सभी साइज की ड्रेस मैंने अलग अलग अपलोड की हुई है, तो यहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम ड्रेस बनानी शुरू करते हैं। तो ड्रेस बनाने के लिए यहां पर मैंने सिंपल बुकरम ली है जो हम ब्लाउज और सूट के नेक के लिए यूज करते हैं गले बनाने के लिए। साथ में मैंने ड्रेस के नीचे लगाने के लिए ये आरकंडी ली है। आप इसकी जगह पर लाइनिंग ले सकते हैं या फिर नेट ले सकते हैं व्हाइट कलर के। और साथ में मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। अब हमने इस तरह की ड्रेस बनानी है, तो इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी मैंने लिखा है, तैयार घेरा जो हमें है वो 4.5x35 का चाहिए। तो देखिए ये जो घेरे की हमने तैयार लेंथ रखनी है ये 4.5 इंच है, 4.5 इंच। और उसके लिए जो हमने कपड़ा काटना है ये हमने 5x36 का काटना है। इस साइड हम 5 रखेंगे लेंथ में और चौड़ाई में इसे 36 रखेंगे, 36। 36 हमने इसलिए रखा है, पहले हम जब बुकरम को और लाइनिंग को और साथ में कपड़े को ज्वाइन करेंगे लेंथ में, तो कई बार कपड़ा कम या ज्यादा हो जाता है, आगे पीछे बुकरम जुड़ जाती है, यहां से बराबर नहीं जुड़ती, तो इसलिए हमने ये 36 रखना है। जब हम इसे जोड़ लेंगे आपस में तो हम इसे काट के साइड से 35 कर देंगे, 35। तो इसलिए 1 इंच आप इस साइड कपड़ा बड़ा काटिए। और जो चोली के लिए हमने कपड़ा काटना है वो हमने 6x1.7 इंच का काटना है। 1.7 इंच मतलब 2 इंच से कम। जैसे ये देखिए ये 6 इंच ली लेंथ में मैंने एक साइड की चोली और चौड़ाई में ये 1.7 इंच है, 2 इंच से 1 पॉइंट कम है। जैसे यहां पर 1 इंच है, इसके बाद आप पॉइंट गिनिए, तो ये पहला पॉइंट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब 4 पॉइंट हो जाते हैं तो ये आधा इंच हो जाता है, उसके बाद ये 5, 6, 7, फिर 8, जब 8 हो जाते हैं तो 2 इंच होता है, तो 8 से पहले हमने ये 7, तो 1.7 इंच की मैंने 5 नंबर कान्हा जी के लिए चोली रखी है। बाकी चोली आप अपने हिसाब से उसकी जो चौड़ाई है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेंथ में आप इतनी ही काटिए तो
चौड़ाई में आप कम कर सकते हैं अगर आपको कम चाहिए। जब ये तैयार हो जाएगी तो दोनों साइड से ये यहाँ पर सिलाई में चली जाएगी अंदर, तो ये आधा आधा इंच दोनों तो साइड से चली जाएगी। तो ये देखिए फिर ये 2.5 इंच रह जाएगी तैयार चोली। तो अब मैंने ये कपड़ा, ये देखिए 5 इंच मैंने कपड़ा लिया है और यहां पर हमने 36 लेना है, 36। तो इन तीनों चीज साथ में मैंने ये 2 इंच की बुकरम ली है। तो अब इन तीनों चीजों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ दिया है। उतनी ही मैंने ये आरकंडी काटी है लेंथ में और चौड़ाई में। अब हमने तीनों चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़कर यहां पर मैंने इसे सील दिया है। अब आप इसे मेजर कर लें और 36 हमने रखा था तो 35 आप कपड़ा रख लें, ये देखिए 35, बाकी का आप एक्स्ट्रा काट दें। यहां से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूंगी। और चोली के जितनी मैंने, ये देखिए चोली से थोड़ी थोड़ी बड़ी मैंने ये आरकंडी का कपड़ा काट लिया है। इसे चारों तरफ से मैं स्टिच कर दूंगी और बाद में एक्स्ट्रा इसका काट दूंगी दोनों साइड इसी तरह से। अब इसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने मजेंटा कलर का कपड़ा लिया है। दो इंच 2 बाय 2 का मैंने पीस लिया है। इस तरह के काफी सारे मैंने पीस काट लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां से हम इसे किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप आ जाएगी हमारे पास। इस तरह की हमने काफी सारी ट्रायंगल्स तैयार करनी है। देखिए अब हम इन ट्रायंगल्स को यहां पर रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से ट्रायंगल को रखकर हम यहां पर सिलाई करते जाएंगे। ट्रायंगल्स हमने एक ही स्टाइल में रखनी है सारी। एक इसकी ओपन साइड है और एक इसकी बंद साइड है। तो ओपन साइड हमने यहाँ पर, ये देखिए इस साइड रखी है, तो सारी हम इसी तरह से रखेंगे ट्रायंगल्स और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने जो बुकरम ली है नीचे वो हमने 2 इंच की ली है। तो ट्रायंगल भी हम, ये देखिए यहाँ पर हमने दूसरी रो इस तरह से लगानी है। हमारी एक ट्रायंगल की जो लेंथ है वो 1 इंच है, तो इस तरह से ये टोटल इसकी लेंथ 2 इंच हो जाएगी जितनी हमारी बुकरम है। तो अब हम यहाँ पर ट्रायंगल्स लगानी सारी स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ट्रायंगल लगाएंगे तो इस तरह से नहीं रखेंगे, जहां पर एक खत्म होती है वहां से शुरू नहीं करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा एक दूसरे के। यहां से भी ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। लास्ट में आकर आप एक दूसरे के ऊपर थोड़ा इसे रखकर एंड देख लें कितनी आपकी आती है यहां तक, थोड़ा आप इन्हें एडजस्ट कर लें।
तो सारी ट्रायंगल्स लगा दी। अब दूसरी साइड लगाएंगे हम, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल इसके साथ जोड़कर कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिलाएंगे। और जब दूसरी ट्रायंगल रखेंगे हम, तो ये आपका जो स्क्वायर बनता है ये प्रॉपर बनना चाहिए, उतनी आपने दूसरे के ऊपर रखनी है ट्रायंगल, एक दूसरे के ऊपर हम उतनी रखेंगे जिससे ये प्रॉपर आपका स्क्वायर बने। तो ये घेरा तैयार हो गया हमारा। अब हमने ये आधे इंच वाला टिश्यू रिबन लिया है, इसे यहाँ पर लगा देंगे, और ये एक इंच वाला टिश्यू रिबन है, इसे हम नीचे लगाएंगे। आधा ये नीचे चले जाएगा और आधा इसके ऊपर रहेगा, इस तरह से, और ये ऊपर। तो ये दोनों साइड से, यहां से और यहां से, ये बराबर दिखेगा। आधा इंच है तो आधा इंच यहां पर दिखेगा, आधा इंच इसके नीचे चले जाएगा। इस रिबन के दोनों साइड लगाएंगे, इस साइड हमने सिलाई लगाई है, अब यहां पर लगाएंगे। ये आधा इंच वाला टिश्यू रिबन हम इसके दोनों साइड्स पर लगाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है मैंने, पहले इसे यहां से फोल्ड करेंगे ताकि यहां से जो एंड है इसका, वहां से धागे ना निकले टिश्यू रिबन के। अब इसे यहां पर हम सिलाई लगा देंगे। तो घेरा हमारे पास तैयार हो गया। अब हम प्लीट्स बनाने के लिए मार्क लगाएंगे। टोटल हमारे पास 35 है, 35 इंच। तो पहले हम 5-5 के गैप पर मार्क लगा लेंगे। ये जो हमने स्टार्ट में टिश्यू रिबन लगाया है इसे छोड़ देंगे, उसके बाद हमने 5 पे लगाया, फिर 10 पे लगाया, 15 पे लगाया, इसी तरह से हम 5-5 के गैप के ऊपर लगा देंगे मार्क। इसके बाद हम ये 5 है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये टिश्यू रिबन को छोड़कर पहला मार्क हमने एक पे लगाया, पहला मार्क हमने एक पे लगाया। इसके बाद हम सवा पे लगाएंगे, ये एक के बाद एक, फिर दो, दो पॉइंट सवा पे लगाया, फिर यहां से हम लगाएंगे, फिर एक पे लगाएंगे, फिर सवा पे लगाएंगे, फिर यहां से एक पे लगाएंगे, फिर सवा पे लगाएंगे, फिर एक पे लगाएंगे, और सवा के ऊपर हमारा 5 वाला मार्क पहले से है, तो 5 वाले मार्क को हमने ये बड़ा कर लिया। तो इस तरह से हम सारे घेरे के ऊपर मार्क लगा लेंगे, इसी तरह से आगे लगाएंगे, एक पे, फिर सवा एक, फिर एक पे लगाया, फिर सवा एक पे लगाया, देखिए एक, फिर सवा,
यहां से एक, फिर सवा, फिर एक, और सवा पे हमारा 10 वाला मार्क है। तो इसी तरह से आप सारे घेरे के ऊपर मार्क लगा ले। घेरे की चुन्नट बनाने से पहले चोली हम तैयार कर लेंगे। ये चोली, इसके दूसरी साइड मैंने आरकंडी का कपड़ा लगा दिया है। अब यहाँ पर हम टिश्यू रिबन लगाएंगे। टिश्यू रिबन को पहले आप इस तरह से फोल्ड कर लें। अब इसे यहाँ पर रखकर स्टिच कर दें। सेंटर में आधे इंच का रिबन मैंने साटन रिबन लगा दिया है। दोनों साइड की चोली तैयार हो गई। अब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इसे 1 या 1.25 इंच तक हम इसे स्टिच कर देंगे। एक बार पक्का कर दें। अब अगर आप इस साइड को फ्रंट साइड बनाना चाहते हैं, जो बंद है साइड, तो इस तरह से ये आर्म होल के साइड भी आप 1 इंच तक बंद कर दें। इस साइड को फ्रंट साइड बनाना है तो ये वाला साइड उठाकर आप पीछे वाली साइड के ऊपर रखें। लेकिन अगर आपने ओपन वाली साइड को बनाना है, ये वाली साइड को अगर आपने फ्रंट बनाना है, तो फिर आप ये वाली साइड उठाकर इस साइड के ऊपर रखें इस तरह से, और इसे 1.25 इंच तक आप इसे स्टिच कर दें। तो मैंने ओपन साइड को फ्रंट साइड बनाया है, तो इसलिए इसे उठाकर हम पीछे वाली साइड के ऊपर रखकर 1 इंच तक इसे स्टिच कर देंगे। अब आप चोली देखिए, ये 7 के करीब है। तो घेरा बनाने से पहले आप इस तरह से चोली तैयार कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने 2 सिलाई लगानी है। एक हमने कॉर्नर कॉर्नर पर लगाई है और एक हमने यहाँ पर लगाई है। दोनों सिलाई मैंने बड़ा बखिया करके लगाई है मशीन की। ये वाली सिलाई लगी रहेगी, लेकिन सारी ड्रेस बनने के बाद ये वाली सिलाई हम निकाल देंगे। तो दोनों सिलाइयों के सेंटर में हम चोली को ज्वाइन करेंगे। ये 2 सिलाई लगाने का फायदा ये होता है, जब आप इस तरह से चुन्नट उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो नीचे वाला कपड़ा आपका साथ में आता है। नहीं तो अगर आप ये 1 सिलाई लगाते हैं तो कई बार जब हम चुन्नट बनाते हैं तो नीचे वाला कपड़ा पकड़ में नहीं आता साथ में, तो इसलिए 2 सिलाई लगानी आसान रहती है। अब हमने ये देखिए 2 निशान लगाए हुए हैं सब जगह। तो पहले वाले हमने निशान को उठाना है, इस तरह से उठाएंगे पूरा पकड़ के। पकड़ के हम इसे इसके पास रख देंगे, टिश्यू रिबन के पास। फिर हम नेक्स्ट को उठाएंगे, ये वाला, ये 2 निशान है, इसमें से जो स्टार्ट में है पहले वाला निशान, इसे उठाएंगे और ये जो मार्क है दूसरा, इस दूसरे मार्क के ऊपर ले जाकर रखेंगे। वो नीचे से दूसरा मार्क दिखना नहीं चाहिए। अब ये फिर से मार्क आ गया हमारे पास। अब हमने ये ए वाले जो ये 2 है इसमें से पहले वाला उठाएंगे, तो ये इसके ऊपर ले जाकर रखेंगे, यहां पर नहीं रखेंगे, नहीं तो दिखता रहेगा। ये देखिए, इसे हमने उठाया, इसके हमने ऊपर रखना है, नीचे से वो मार्क दिखाई नहीं देता। अगर ये इस तरह से नीचे वाला मार्क दिखता रहेगा तो आपका घेरा फिर बढ़ जाएगा, चोली के साथ ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो आपने ये बिल्कुल उसके ऊपर ले जाकर रखना है, नीचे से मार्क दिखना नहीं चाहिए। फिर से देखिए, ये हमने ये वाला उठाना है, पहले वाला जो मार्क है इसे उठाएंगे और ये जो दूसरा मार्क है इसके ऊपर ले जाकर ऐसे रखेंगे। फिर आपका घेरा, इसका जो आएगी लेंथ और चोली के लेंथ है, तो दोनों बराबर आएंगे आपस में। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है।
फिर ये 2 मार्क हैं, तो ये पहले वाले को ऐसे उठाएंगे पूरा फोल्ड करके, इसके पास ले जाकर रखेंगे। फिर नेक्स्ट उठाएंगे, ये 2 हैं, 2 में से पहले वाला उठाना है हमने, और इसके पास ले जाकर रखेंगे। इसी तरह से हमने चुन्नट बनाते जाना है। ये हमने हाफ का मार्क लगाया है, पहले इस घेरे को हमने आधा करके उस पे मार्क लगाया है, यहां तक मैं प्लेट्स बना लूंगी पहले। तो ये मैंने हाफ का मार्क लगाया था, यहां तक मैंने चुन्नट बना ली है। तो अब हमने ये चोली को इसके साथ रखकर देखना है, इसका हाफ यहाँ तक आता है और चोली का हाफ यहाँ तक है, तो इन दोनों को आप मैच करके देखिए। ये देखिए, यहाँ से आप इसे पकड़ेंगे तो मेरी ये चुन्नट हाफ तक जो मैंने डाली है, ये लाइन है, और ये चोली का सेंटर है, ये दोनों मेरी मैच होती हैं। अगर आपकी मैच होती हैं तभी आप आगे कंटिन्यू करें चुन्नट, नहीं तो आप ये सारे चुन्नट निकाल के दोबारा बनाएं, क्योंकि अगर आप सारी चुन्नट बना देंगे तो आपको सारी खोल के निकाल के उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप आधे पे मार्क लगा दें और चोली का भी आधा देख लें, वहां तक आप पहले चुन्नट मैच करें। इस तरह से अगर आपके दोनों का आधा आधा मैच होता है तभी आप कंटिन्यू करें, नहीं तो आप फिर से इसे निकाल के बनाएं। बस चुन्नट हमने पास पास करके रखनी है। ये देखिए यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा भी उसे दूर करके रखेंगे तो आपका घेरा बढ़ जाएगा। अब घेरे के साथ हम चोली ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमने इसे हाफ करके यहां पर एक मार्क लगा लेंगे। ये हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है, जब हम चोली ज्वाइन करेंगे तो चोली का हाफ इस हाफ के साथ मैच होगा। अगर ये मैच होता है तो इसका मतलब है आपकी चुन्नट सही बनी है। बस अब आप इसे इसके साथ ज्वाइन करते जाएं। तो देखिए, ये मार्क के साथ चोली का सेंटर मेरा सही आया है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो चोली के साथ घेरे को मैंने ज्वाइन कर दिया बैक साइड से, ये इस तरह से है, और ये फ्रंट साइड से। अब यहाँ पर हम गोल्डन मोती लगाएंगे, तो यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। ये कॉर्नर है पिंक कलर का, यहाँ से हमने इसे निकाला सुई को। और जो दूसरा कॉर्नर है उससे हम नीचे से रॉन्ग साइड निकाल देंगे। एक बार और मोती को पक्का करेंगे। यहां पर हम धागा पक्का कर देंगे। इसी तरह से हम सारे मोती लगा लेंगे।
ड्रेस का घेरा तैयार हो गया। पूरे घेरे के ऊपर मैंने ये गोल्डन मोती लगा दिए हैं। अगर आपके पास गोल्डन मोती है तो आप गोल्डन लगा लें, अगर आपके पास गोल्डन मोती नहीं है तो आप व्हाइट या ऑफ व्हाइट मोती भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसे कान्हा जी को पहनाएंगे, इस तरह से आएगी यहाँ से, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। तो आप भी इसे अपने कान्हा जी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जब आप पूरी ड्रेस बना लो तो यहाँ से ये देखिए, हमने यहाँ पर दो सिलाइयाँ लगाई थी ताकि हम चुन्नट आसानी से बना सके, तो ये जो बाहर वाली सिलाई है इसे हम निकाल देंगे। ये हमने बड़े बखिए से इसीलिए लगाई थी ताकि ये बाद में इजीली इसे हम निकाल सके। तो आशा करती हूँ कान्हा जी की ये ड्रेस आपको पसंद आएगी। अगर ये आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।